इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम केरास की बात करेंगे और कॉन्वोल्यूशनल लेयर की बात करेंगे कि केरास के अंदर कॉन्वोल्यूशनल लेयर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कॉन्वोल्यूशनल लेयर असल में होती क्या है और उसकी पूरी टोटल डिस्क्रिप्शन के कॉन्वोल्यूशनल लेयर बनती कैसे है और उसके अंदर असल में वो क्या रहा होता है ये सब देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। कॉन्वोल्यूशनल लेयर, जैसा कि आपके पास एक प्रॉब्लम आता है जिसमें आपने आपकी हैंड राइटिंग है उसमें आपने एक्स लिखा हुआ है, सो यू वांट योर पीसी, यू वांट योर प्रोग्राम, योर मशीन टू कंसिडर दैट एज एन एक्स। अब आप उस एक्स को टेढ़ा करके लिखते हो, सीधा करके लिखते हो, लेकिन यू वांट योर प्रोग्राम टू प्रिडिक्ट कि वो एक्स ही है। So you want such kind of a program, so you'll use CNN for that. और उसके लिए आप convolutional layers stack करोगे, so we'll see के वो क्या होती हैं। So यहाँ पर हमने x की translation की है, उसकी scaling की है, उसको rotation की है, उसको weight दिया है और उसको CNN को pass कर रहे हैं ताकि हमारा CNN उसको learn कर सके और बाद में जब हम लोग उसको अपनी handwriting में कोई x या कोई और input करें तो वो उसको लर्न कर चुका और उसको आउटपुट में वो बता दे कि ये एक्स है या नहीं। सेम इज द केस विद दिस ओ। सो अगर आप रूल बेस्ड सिस्टम देखें तो उसमें ये होता है कि वो बिल्कुल नेबरिंग पिक्सल्स देखता है। अगर फर्स्ट इमेज को आप देखें तो इसमें अगर स्टार्टिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अगर इन पिक्सल्स को देखें सो ये डिफरेंट है इसके पिक्सल से, स्टार्टिंग पिक्सल से, क्योंकि यहाँ पे एक वाइट पिक्सल आ रहा है, यहाँ पे वाइट पिक्सल नहीं आ रहा। सो अगर हम लोग एक अपने सिस्टम को जो कि रूल बेस्ड सिस्टम है उसको ये पास करेंगे और कहेंगे कि ये क्या ये इमेज इससे सिमिलर है तो वो कहेगा नहीं, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में ही नज़र आ जाएगा कि एक पिक्सल यहाँ पे अगर वाइट है और यहाँ पे एक पिक्सल ब्लैक है तो ये सेम नहीं हो सकते। लेकिन हम ह्यूमंस में ये कैपेबिलिटी होती है कि हम एक इमेज को देख के परसीव कर लेते हैं कि वो एक इमेज डिस्टॉर्टेड है, स्केल्ड है, ट्रांसलेशनड है और उसमें वेट ज़्यादा है या रोटेटेड इमेज है। सो वी कैन सी कि ये रोटेटेड इमेज है और लेकिन ये चीज़ हमने कंप्यूटर को सिखानी है या ये चीज़ हमने अपने प्रोग्राम को सिखानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक फ़िल्टर डेवलप करेंगे जो कि इस पिक्चर का ही फ़िल्टर होगा, फर्स्ट पिक्चर का ही फ़िल्टर होगा और उस फिल्टर को हम इस सेकंड इमेज के ऊपर ट्रांसलेट करेंगे और इसको कन्वॉल्व करेंगे पूरे इमेज के थ्रू, पूरे इमेज के ऊपर। उसके थ्रू हम लोगों को पता चलेगा कि ये इमेज इससे सिमिलर है या नहीं। सो अभी परेशान ना हो, आने वाली वीडियो में मैं सब बताऊंगा। सो यस दीज आर इक्वल क्योंकि इसका स्ट्राइड विंडो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसका स्ट्राइड ऑफ विंडो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और इसका विंडो स्ट्राइड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सो फिल्टरिंग, लाइन अप द फीचर्स एंड इमेज पैच। इमेज के अंदर से ही फिल्टर एक्सट्रैक्ट किया जाता है और मेजॉरिटी केसेस में जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें हम यही कह रहे हैं कि जो हमारे पास इमेज है, इनपुट इमेज है, हम लोग जब अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं उसमें से ही हम लोग उसका फिल्टर जनरेट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं फॉर द लर्निंग पर्पसेस। मल्टीप्लाई ईच इमेज पिक्सल बाय द कॉरस्पॉन्डिंग फीचर पिक्सल एंड ऐड देम। एज यू कैन सी यहाँ पे कोई इसका नंबर होगा, इसका कोई पिक्सल नंबर होगा। Let's consider the white ones are the 1 and the black ones are 0. So, अगर हम white वाले के ऊपर देखें तो 1 0 1 0 1 0 यहाँ पे भी exist करता है 1 0 1 0। So हम लोग इन सब इस वाले filter को लेके चलेंगे इस पूरी photo के ऊपर, इस पूरी image के ऊपर, second image के ऊपर,
ग्रीन वाले फिल्टर को लेके चलेंगे पूरे सेकंड इमेज के ऊपर, चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर वैसा एग्जिस्ट करता होगा तो वहां पे हम लोग उसको वन लिख देंगे. लेट्स विजुलाइज दिस इन फॉर दिस स्लाइड एंड विल गेट टू दीज पॉइंट्स लेटर. एज यू कैन सी ये जो ग्रीन स्ट्राइड था, एज यू कैन सी द फिल्टर, फिल्टर को देख लें अगर हम लोग यहाँ पे, तो हम लोगों ने इस फिल्टर को इस इमेज से एक्सट्रैक्ट किया. और इसके अगर आप देखें उसने ब्लैक को माइनस वन कहा है और वाइट को वन कहा है. सो इस फिल्टर को हम पूरे इमेज के ऊपर कन्वॉल्व करेंगे और उससे हम लोग एक मैट्रिक्स जनरेट करेंगे. एक नया इमेजेरियल मैट्रिक्स होगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन समराइज्ड हो जाएगी कि इस ये इमेज, इस इमेज में इस तरह का पैटर्न एग्जिस्ट करता है या नहीं. अगर हम लोग 3x3 के फिल्टर को इमेज के बिल्कुल लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर पेस्ट करें तो उससे कुछ ऐसे रिजल्ट्स आते हैं. दीज आर द रिजल्ट्स जो हम लोगों ने सम करके निकाले हैं विद द एडिशन ऑफ दीज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ फिल्टर पिक्सल्स इन द फिल्टर. सो अगर हम यहां पे आए, यहां पे देखें, सो इसका अलग एक नंबर आएगा, इसका अलग एक नंबर आएगा. सो अगर हम लोग इस वाले फिल्टर को पूरे इमेज के ऊपर इन्वॉल्व करेंगे तो सिर्फ वंस हम लोग को इधर नजर आएंगे, इधर 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 इधर, और क्योंकि असल इमेज के अंदर वंस इधर पे एग्जिस्ट करते हैं. सो ये एक फीचर मैप सेव कर लेगा. सो इसी तरह हम लोग डिफरेंट पैटर्न के स्ट्राइड्स बनाएंगे और उन स्ट्राइड्स को इस इमेज के ऊपर इन्वॉल्व करेंगे और उससे डिफरेंट इमेज पैटर्न्स जनरेट होंगे जो कि इस इनपुट इमेज में एग्जिस्ट करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द कोड. सो मॉडल इज इक्वल टू सिक्वेंशियल. सो वी एज यू नो हम लोग सिक्वेंशियल मॉडल यूज कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी रॉट sequential here or model dot add. If you want to add a layer, you use dot add function of this Keras, and after that you'll write conv2d. As you know, we are working on an image, so here we are using the convolutional 2d function. 64 are the number of neurons you will be using, and kernel size is the number of that filter size. We were using 3x3, so I have written 3. यहाँ पे 3 लिखा है मैंने क्योंकि हम लोग का फिल्टर साइज 3x3 का था. एक्टिवेशन रेलु, एक्टिवेशन फंक्शन की हम बाद में बात करेंगे आने वाली वीडियोज में. इनपुट शेप 28x28x1. 1 इज इट्स RGB. सो इफ द एंडिंग पार्ट of that shape is 1, that means it's grayscale image. Model dot add, so it's the first layer and it's the second layer we are adding. So this is the code how easily you can add a layer in your model, and let's see how you can see it in the code, working code. So as you can see, I just copied and pasted that code in here, and let's see how it runs. And yes, model.summary means it will give us summary about our model. Ye run ho raha hai, aur after running we can see ke hamare model ki summary generate hui hai. After this model.summary, conv2d
टू डी हम लोग कॉन्वोल्यूशनल टू डी लेयर टाइप हमारी ये है और आउटपुट शेप हमारी फर्स्ट नन है क्योंकि हमारे पास यस नन है इनपुट। हम लोग इसको कोई किसी भी टाइप की दे सकते हैं 26x26x64 का हमारे नंबर ऑफ न्यूरॉन 64 थे। आफ्टर दैट यू कैन सी द टोटल नंबर ऑफ टोटल पैरामीटर्स ट्रेनेबल पैरामीटर्स के इसमें ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हैं और कितने हम लोग इनको दे सकते हैं। सो नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स आर जीरो एज यू नो हम लोगों ने अभी इसमें और कुछ ऐड नहीं किया। सो दीज आर द सिंपलेस्ट लेयर्स द वे यू कैन ऐड दीज लेयर्स इन योर मॉडल। थैंक यू।